पता नहीं लोग कॉइन्स क्यों देते हैं, नोट क्यों नहीं देते, गिनने में कितनी तकलीफ होती है। जय हो जय हो, महीने की पहली तारीख को लगता है कि लक्ष्मी जी स्वयं पधारी है। शर्म करो बॉस, इसको भी कोई इनकम बोलता है। छोटे, पैसा चाहे अंबानी का हो या भीख का, रेट तो वही रहने वाला है ना। अरे छोटे, चिल्लर का भाव मार्केट में नोट से कहीं ज्यादा है। मैं तुझे चिल्लर का गणित समझाता हूँ। हमारे हजारों भिखारियों की फौज एक दो और पांच के सिक्के मिलाकर कितना पैसा लाते हैं? अरे मेरे मुन्ना, रकम इतनी बड़ी है कि जब इन बोरियों में नहीं समाती तो तेरे कैलकुलेटर में कैसे फिट होगी। अगर अंडरवर्ल्ड के लोगों को पता लगे कि इस बिजनेस में इतना मुनाफा है तो वो लोग यही धंधा शुरू कर देंगे। आ गया मेरा बेटा, हीरो लग रहा है एकदम। मैं कैसा लग रहा हूँ भाई? मैं 50 करोड़ रुपए लगाकर फिल्म बनाऊंगा और उसमें तुझे हीरो बनाऊंगा। अगर मार्केट के सारे भिखारी भी फिल्म देखेंगे तो सुपर हिट। मुझे हीरो नहीं बनना है, गाना और फाइट मुझे बोरिंग लगते हैं, मुझे विलन वाले कम पसंद है। तो इसमें नया क्या है? मेरी पर्सनालिटी पे वही सूट करता है। तू अरे मार क्यों रहा है? अरे बस कर, अरे क्यों कर रहा है वो, मर जाएगा। मैं चाहता हूँ ये मर जाए। मेरे एरिया में घुसकर मेरे बेटे को मारता है कौन तू? मैं कुत्ता नहीं जो तेरा इनविटेशन लेकर आऊं, शेर हूं। तू अपने बेटे को मार खाते नहीं देख सकता तो फिर कोई माँ बाप अपने मासूम बच्चों को भीख मांगते कैसे देख सकते? ए, बहुत भारी पड़ेगा तुझे, छोड़ दे मेरे बेटे को। तू क्या मदर टेरेसा का शिष्य है जो इन भिखमंगों का मसीहा बन के तू यहाँ आया है? चढ़े बता इसे कौन हूँ मैं? ये पूरे शहर में दामू सेठ का राज है, ये बूढ़े बच्चों के हाथ पैर काटकर उनसे भीख मंगवाते हैं, और तू तो कितना चिकना है, तुझे तो भीख भी नहीं मिलेगी, चल निकल यहाँ से। ए, बना दो इसे भी भिखमंगा। स्टेशन इंसानों से जानवरों जैसा सलूक करता है। तूने अपने इन्हीं गंदे हाथों से उन मासूम बच्चों की आंखें निकाली थी ना, जिन्हें अपनी माँ की गोद नसीब नहीं हुई, उनके हाथों में तूने कटोरे थमा दिए। बस करो भाई, उनको किए की सजा मिल गई, अब तो भिखारी इन्हें भीख देंगे। मुंह छोड़ दो नहीं तो भीख भी नहीं मांग पाएंगे। बड़े भाई छोड़ दो ना, कितनी देर से चिल्ला रहे, कान में दर्द होने लगा है। सर बुरा मत मानना, ये सलाम ठोकने की हालत में नहीं है, एक छोटी रिक्वेस्ट है। बस करना, जीप में ले जाने की बजाय इन्हें एम्बुलेंस में ले जाइए, कम से कम चक्की तो पीस पाएंगे। अपनी जान खतरे में डालकर आपने बेगस माफिया को एक्सपोज किया, कुछ कहना चाहेंगे? ये काम मीडिया का था, मुझे करना पड़ा। मीडिया का? हाँ मीडिया का। आपको बस मिनिस्टरों की गाड़ियों के पीछे भागना आता है, पर देश में लाखों बच्चे भीख मांगते हैं, उनका शोषण किया जाता है, अत्याचार होता है, वो नहीं दिखता। टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए आप एसएमएस कॉन्टेस्ट चलाते हो, किसी हीरोइन को लड़का होगा या लड़की, फिल्म कितनी हिट है या फ्लॉप है, उसका बिजनेस कितना किया जाएगा ये देखते हो, पर मासूम बच्चों की क्या हालत हो रही है ये नजर नहीं आता। मीडिया को पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, पब्लिसिटी के लिए नहीं। देखिए मैं कोई हीरो नहीं हूँ,
सोसाइटी में कई लोग अच्छा काम कर रहे हैं। किसी को हार्ट ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत थी, कई लोगों ने उनकी मदद की है। उन लोगों के बारे में जनता को बताइए, देश को गुमराह करने के बजाय सही लोगों के बारे में लिखिए प्लीज। आप असली हीरो है भैया। हम सब ने लीगल माफिया और ड्रग माफिया के बारे में तो सुना है, पर बेगर माफिया उससे भी खतरनाक है। एक जांबाज इंसान ने उस गैंग का नामो निशान मिटा दिया और मीडिया में जागरूकता फैलाई। उसने सैकड़ों अनाथ बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। वो जिगर वाला इंसान है सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेरी। उसकी चर्चे अब सब जगह पर है। बंदे में दम है, मेरी लाइफ में वेलकम है। शर्मा रही है? शर्माते हुए आप बहुत क्यूट लगते हैं। आप यहाँ अचानक क्यों टपक पड़ी? बात यह है कि चेरी ने मेरा चैन चुरा लिया है। उसने अनाथ बच्चों को नई जिंदगी दी। मुझे भी वो पसंद है। हमारी सेटिंग करा दो ना। मर गया, ये कपल मुझे चप्पल खिलाएगा। प्लीज, तुम दोनों मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? तुम खुद जाकर उससे बात क्यों नहीं करती? वो उल्टी खोपड़ी का है, शायद प्रपोजल ठुकरा दे। मुझे थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है, आप उसे मेरे पास लाइए ना। बहुत ईगो है लड़की में, ठीक करता हूँ। तुम में ईगो है, मुझ में डर है, उसको गर्व है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी लव स्टोरी का कोई फ्यूचर है। जलेबी बोलो। मुझे गुस्सा भी आता है। फूटी किस्मत मेरी, ट्राई करता हूँ मैं। चेरी चेरी, तुझे मामा से प्यार है ना? आपसे प्यार है, इसलिए लड़की से प्यार छोड़ दिया। छोड़ मत, लड़की से प्यार कंटिन्यू रख। क्या मामू, जब चाहे कनेक्ट किया, जब चाहे डिस्कनेक्ट कर दिया, ये कोई मजाक नहीं, मेरा दिल है। फालतू एग्जांपल मत दे। क्या? वो कह रही थी कि तूने अनाथ बच्चों की जान बचाई, उसके बाद उसका मन बदला और वो तुझ पर लट्टू हो गई। चलकर कह दे उसे आई लव यू। ये क्या बात हुई, बच्चों को नहीं बचाऊंगा तो प्यार नहीं करेगी? ऐसी लड़की मुझे नहीं चाहिए, प्यार में कोई शर्त वर्त नहीं होती। तब तो तुझे एक भी लड़की लाइन नहीं देगी। जो मिल रहा है उसमें मांडवली कर ले, वरना मेरी तरह रखड़ जाएगा। मान जाना मेरे बाप। ठीक है, मेरा ईगो बीच में आ रहा है, उसे मेरे पास लाइए। क्या ईगो? तुझे क्या दीवार के पार का सुनाई देता है? नहीं तो क्यों? नहीं, उसने भी यही कहा था। चलो तुम दोनों ईगो हटाओ, प्यार कर लो, आपस में डेट कर लो। मामू मेरी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसे मेरे पास लाइए। वो मेरा आटा गूंदेगी। अरे कुछ नहीं करेगी, मुझे मार डालेगी। उसका भाई डॉन है, वो नहीं। भाई साहब आप रो क्यों रहे हो? हैं? वॉशरूम में शांति से रो भी नहीं सकता, रोने के लिए अब तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, कंटिन्यू करो। जाओ हाथ धो लो। मम्मा, ये चेरी मुझे मरवा के ही छोड़ेगा। कैसे मनाऊं? ओह, इनका तो हो गया, अब मेरा क्या होगा? भाई लगता है चेरी ने अपनी मैडम को पटा लिया। ये खबर बाबजी तक पहुंचनी चाहिए। आपने प्यार से शाम को दूध पिलाया तो अब वो दूध पीने आपके घर ही आ गया। बकवास बंद कर गधे कहके, इसने तो फूल ही खिलाया था, बीच में वो कांटा आ गया। उसकी गाड़ी इसलिए चली क्योंकि इसी ने उसमें दोस्ती का पेट्रोल भरा। क्या कह रहे थे तुम? इंसान की जबान और उसकी आंखों से उसका कैरेक्टर पहचानते हो? लोग पान खाकर थूकेंगे तुम पर, वो चूना लगाकर चला गया। छी छी छी, वो मस्का पॉलिश करके अपनी किस्मत चमका गया। जब मैंने आगा किया तो नहीं, तुम कुछ नहीं समझते, बीच में मत बोलो, ऐसा कह के मेरा मुंह बंद करवा दिया था तुमने। तो अब भुगतो खुद, मधु आके कहेगी मुझे उससे शादी करनी है, करा देना। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। जो करे मेरे साथ डबल क्रॉस उस पर लगा देता हूँ मैं। पॉज बहन, मुझे दिल की बात बताए उससे पहले उस कुत्ते को टपका दूंगा। ये हुई ना बात, गाड़ी निकालो। भाई टपका डालो। रुक एक मिनट, मनसुख भाई वो रोमियो इस वक्त मेरे सामने है, बाइक पे है, हेलमेट पहने, बोलो तो टपका दूं? हेलमेट उसे एक्सीडेंट से बचा सकता है, हमसे नहीं बचा सकता। जाओ उसका पीछा करो, मैं भतीजों को लेके आता हूँ। हेलो, कहाँ है वो? उसने फ्लाईओवर पर चढ़कर लेफ्ट टर्न ले लिया, गाड़ी से उसकी बाइक को ठोक दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, ये काम बाप जी अपने हाथों से करेंगे, तुम उसका पीछा करो। हाँ ठीक है। हाँ।
हेलो, वो मंत्रालय पहुंच गया है। हम वही मारेंगे उसे। अरे ये ज्यादा रिस्की नहीं हो जाएगा? अरे उसे वहाँ मारेंगे तो पूरे स्टेट में फटाफट न्यूज फैल जाएगी। माँ जी, हाँ बेटा, ये 100 रुपए रखिए और ये पैकेट संभालिए, मैं अंदर जाकर लेता हूँ। ठीक है। माँ जी, पैकेट ये लो बेटा। भाई वो अंदर चला गया, चलो चलते हैं। हाँ। देखना बाप जी, आज जो मर्डर होगा ना, वो हमारे आज तक के गुनाहों का हाईलाइट होगा। सर, डीजीपी सर मीटिंग में हैं। हम तो उन्हें इनविटेशन देने आए थे, भतीजे की मंगनी है ना। वेट कीजिए प्लीज। चलो भतीजे, चलो चलो। कहाँ मर गया वो? अरे वो रहा। जाओ जाकर खत्म कर दो उसे। से डीजीपी को टपका दिया इसने, तो हम किस खेत की मूली है भतीजे? सुनो, मर्डर प्लान कैंसल। हम तो इसका बैकग्राउंड तक नहीं जानते, वो हमें देखे इससे पहले सटक लो। मुंह छुपा लो। चाचे, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। मेरी तो हर जगह दर्द हो रहा है। ए जरा पीछे मुड़ के देखो कि वो गया है कि नहीं। ए सुना, नहीं इतनी गोली खाएगा तो जाएगा ही ना। बेवकूफ कह के मरने वाले को नहीं, मारने वाले को देखो। लगता है वो चला गया है। बच गए। बाबजी को आज तक इतना बुखार नहीं हुआ है, इन्हें देख के मुझे टेंशन हो गई है। ये कोई वायरल फीवर नहीं है, अचानक झटका लगने से बुखार आया है। क्या इन्होंने पास से कोई हादसा देखा था? हाँ, बहुत ही भयानक हादसा। इसीलिए कोई दवाई काम नहीं कर रही है, भूल जाओ। किसे भूल जाओ, भतीजे को? नहीं नहीं, हादसे को। इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद आज मंत्रालय में डीजीपी की हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है? किसी टेररिस्ट ग्रुप का, गैंगस्टर का या नक्सलाइट? पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। अरे भतीजे, हमारी किस्मत अच्छी थी। अगर हम उससे पूछते कि वो हमारे मधु से प्यार क्यों करता है, तो वहीं वो हमारा गेम बजा डालता। कौन सा गेम सर? सांप सीढ़ी डॉक्टर, जिसमें सांप के काटने के बाद पैसा पानी नहीं मांगता। आपको लेट हो रहा है। भैया, भैया सुबह तो ठीक ठाक थे, अचानक क्या हो गया? ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? तुमने समझा, मैं मुझे सब कुछ मालूम है, फिर भी कुछ मालूम नहीं। तुम जाओ यहाँ से। मुझे भैया से बात करनी है। तुम हालचाल पूछ रही हो या इंटरव्यू ले रही हो इसका? इसे बहुत तेज बुखार चढ़ा है, आराम करने दो इसे। कितनी कटकट करते हो, आज बहुत अच्छा दिन है। किस लिए? उसे मारने के लिए? चुप रहेंगे। भैया, मुझे किसी से प्यार हो गया है। मुझे मालूम था ऐसा ही कुछ चल रहा है। पहले ही वो तवे की तरह जल रहा है, तुम्हारी बातों से बम की तरह फट जाएगा। जी नहीं, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसका नाम सुनकर भाई उछल पड़ेंगे। उछलेंगे तो, पर डर से। भैया, मैं जिससे प्यार करती हूँ आप उसे जानते हो। कौन है वो? चेरी ना, मीठी छुरी है वो, मीठी मीठी बातें करके सीने पर चल सकती है। देखिए अंकल, मुझे पता है आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर ऐसी बातों से भैया नाराज हो जाएंगे। छे, छे, अब बोलो ना भतीजे, कब तक ये बर्दाश्त करना पड़ेगा? तुम जाओ ना यहाँ से। आप चुप रहिए। भैया, चेरी आपसे मिलने आया है। क्या? अरे सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इस तरह क्यों लेटे हैं? एक बड़ा हादसा देखकर इनकी तबीयत टाई टाई फिश हो गई। क्या देखा इन्होंने? को एक या दो नहीं बल्कि 6-6 गोलियां मारी गई। ये पहले से ही डरे हुए हैं और आप लोग इन्हें ऐसी डरावनी न्यूज दिखा रहे हो। आपने जो हादसा देखा था, कहीं ये वही तो नहीं? हम क्यों देखेंगे, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। असल में इसकी राहु की दशा भारी चल रही है, तो इन्हें कुछ नहीं होगा। मधु ने आपको सारी बातें बता दी होंगी ना? वो कह रही थी कि आपने बचपन से इसकी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, अब इसकी शादी की इच्छा है, आप वो भी पूरी कर देंगे ना? कोई एतराज तो नहीं है ना? मैं अच्छा लड़का हूँ, ये कुछ बोलते क्यों नहीं? अब ये क्या बोल सकते हैं, हम सबको मंजूर है। जरा हंस दो तब इसे यकीन होगा।
चलो ऐश करो। थैंक यू बाबूजी। थैंक यू। थैंक यू तो तुम दोनों को मुझे बोलना चाहिए। क्यों? तुम दोनों की सेटिंग किसने करके दी? मैंने। मैं बाबूजी का नाम लेकर इस जाड़िये की बहन को देखने गया था, फिर मैं तुझे यहाँ लाया। तूने ये आइटम देखी, आइटम को तू पसंद आ गया। नहीं, अब अपनी ये बड़बड़ बड़बड़ बंद कर। तुम्हें जो चाहिए मिल गया ना, अब बाबूजी को आराम करने दे, चल जा। बाबूजी डोंट माइंड अगर मैं मधु को फैमिली से मिलवाने घर ले जाऊँ तो चलेगा ना? तुम्हें अब ये कैसे मना करेगा, जाओ ले जाओ, अब क्या कर सकते हैं। वाह, आप आदमी हटके हैं। मैं सब समझता हूँ, मस्का मत लगाओ, अब जाओ यहाँ से जल्दी। चलो जलेबी। आपने मुझे बुलाया? अच्छा चेरी, तुम दोनों तो मिल गए, अब इस मिलने की खुशी में तुम दोनों गेट टुगेदर करो और हम मामा के साथ पार्टी करते हैं। ओके सर। मामा एंजॉय। थैंक यू।